सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। मैंने ही लगता है सबसे पहले बधाई दी थी शूटिंग पे, मुझे पता चला था, हम लोग साथ में शूटिंग कर रहे थे जब मुझे पता चला था कि इनकी शादी तय हो चुकी है। सबसे पहली व्यक्ति घर वालों के बाद शायद मैं ही होंगी, तो उसी टाइम शूटिंग के सेट पे ही हमने शादी मुबारक बोल। मैं नहीं गाऊंगी, डरो मत, काटो मत यार, नहीं गाऊंगी, चिंता मत करो। लेकिन आज मैं सच में मां शीतला से ये मना के आई हूँ कि आप और आपकी धर्म पत्नी जी दोनों हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, आबाद रहें। और बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में बने जी, आप लोग का आशीर्वाद हमके दे देनी। भैया जब चुनाव लड़ रहे पहला दिल्ली, तो हम आपके चुनाव प्रचार में गए रही और एगो गाना भी गोले रही, कि सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है। और वो गाना बहुत लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत लोग गाना गावा, लेकिन हाईएस्ट व्यूज अभी तक के अगर कोनो गाना के बाद राजनीति में, तो दिनेश भैया के ही बा। कि दरअसल भारी पड़न पाँच साल मरी कमल इस बार जितने लोग मोबाइल के जरिए, तो ये आजमगढ़ के पूरे विश्व में फैल जाएगा। इस बार आप सांसद हैं और इस बार आप लड़ेंगे, और आपके लिए दूसरी बार मैं नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार एक महीना में रहूंगा। और बाबा विश्वनाथ जी से ये कहा कि सांसद बनी, अगला बार मंत्री पद मिलो, और ओकरा अगला बार यूपी में पहला दिनेश लाल यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, जितना थैंक यू कब आपके उतना कम हुई, मतलब हमारे पास शब्द नहीं के पूरा चौबे परिवार की तरफ से यादव परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर वन आप थे, हैं और रहेंगे।